पहले तो क्षमा कीजिए, एमएलए साहब बुला रहे हैं। अरे साहब से मिलाओ, आ जाओ महाराज, आ गया महाराज। समस्या देखिए इनकी, सर को मिल गया, महाराज को दे दो, बता महाराज, महाराज को बताओ, बेटी को पढ़ाना बुरी बात तो नहीं है ना, उनके लिए जीवन समर्पित करना बुरी बात तो नहीं है, तो मैं वो कर रहा था सर। और एक अधिकारी आते हैं और मुझे हटा के चले जाते हैं सर स्कूल से, और मेरी किसी ने अगर कोई 0.01% की गलती है तो सर मैं हटाई किस विषय पे था, वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, पर आरोपों में सत्य काफ़ी होनी चाहिए सर। आपकी बात सुनी जाए, फिर आप ही सब हटा दोगे, आप ही हटाओ देखो बिल्कुल, ये अपन क्या है सर, सुशासन आ गया, सुशासन चला गया, पिछले वालों ने आपके साथ ये हरकत की, पिछले वालों ने की थी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता, ये सब पिछली सरकार की गलतियाँ थी, उस वजह से ये सब हमने भुगता है, और आप लोगों ने सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके फ़ोन आ जाएगा, वापस आपको वही कर देगा निश्चिंत। शिकायत क्या थी नहीं, नहीं, नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हो, बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, आपके साथ हमें जीवन ऐसा नहीं वैसा, पिछली सरकार की कमियां और गलतियां इन लोगों में मत छोड़ो, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपने जो काम किया वो अच्छा किया, देश की सेवा करना अगर अपराध है, नहीं नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप कतई विचार मत करो। मेरा कार्ड बल बालाजी महाराज की जय। पिछली सरकार की गलतियां कमियां थी और उन गलतियां और कमियों को आप निश्चिंत हो जाओ, दूर करने में 2 दिन चाहिए बस, लो ये दे दो कार्ड, मैंने कल दिए थे ना आपको, सुनो जो नंबर है मेरा, कोई आरोप नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको शिकायत नहीं है, 0.1% भी गलती है ना तो भी सर मैं ये मैंने ले लिए, ये आपका काम हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप हमारे स्कूल की जगह पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा सर, नहीं ये काम होगा, बहुत अच्छा ये काम होगा, और स्कूल में बच्चियों को कोई भी आवश्यकता होगी ये काम तुरंत करवाएंगे हम निश्चित रूप, बेटियों की पढ़ाई के लिए अग्रणी है हम सर, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, कृपा नहीं है हमारा काम है भाई साहब, कृपा आपकी होगी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, वो भीलवाड़ा जिले का मतलब सांबरा हो गया उस क्षेत्र का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया सर, और बेटियों की पढ़ाई के हिसाब से बहुत अति पिछड़ा है, राजना का अति पिछड़ा क्षेत्र है सर, वहाँ पर हमारे विद्यालय की बहुत ज़्यादा, और मेरा प्रयास ये था सर 2015 से मैं वहाँ स्कूल में हूँ, मेरा प्रयास ये था कि हमारी कोई बेटी राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो टॉप करनी चाहिए, टॉप होगी तो हम सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करेंगे, समीक्षा पर जाएगा और वहाँ महाविद्यालय खुलना चाहिए सर बालिकाओं के लिए, वहाँ वो बालिकाओं के लिए चप्पल का आएंगी भाई साहब की, चप्पल लाओ, वो अभी खोली थी, चप्पल लाओ, चप्पल लाओ पहले, वो तो ये पहन जाओ आप, अरे नहीं सुनो गुरुजी, गुरुजी अजी मैं दूसरे आ जाएंगे हाथ वाले, आप ऐसे नंगे पांव मत करो, इधर लगा नंगे पांव जूते लाओ ना इनके, कहाँ है चप्पल, कहाँ है, अरे चप्पल ला भैया, चप्पल चोर कौन ले गया, मंदिर में तो चले, भारत माता की जय, भारत माता की, जिम्मेदारी मेरी है विनोद जी, आप इनको आश्वस्त कर दो, इनका नंबर आप भी रखो भाई साहब का, मेरा नंबर भी रखो, इनका काम करवाएंगे, कई होलमान नहीं आएगा मेरा नहीं था। आप सुनो पर्सनली, अजी कल की बात बता रहा हूँ मैं पर्सनली, सीएम साहब ने कहा कि सारा काम छोड़ो शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो, ये कल कहा है उन्होंने, सारा काम पहले छोड़ो शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो, स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा दो पे पूरा ध्यान दो, फोकस करो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।